ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं रीजनिंग का, जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स का अपना चल रहा था सीरीज, उसका चौथा पार्ट लेके आए। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है, आज हम वापिस रिपीट करेंगे ताकि इजीली आपके समझ आया जाए और प्रैक्टिस काफी हो जाए। तो दोस्तों, ये था स्क्वायर का काउंटिंग है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में स्क्वायर का काउंटिंग है। तो ये देख सकते हैं स्क्वायर कितना है, 1 2 और 1 2, ऐसे मार्किंग करना। और इन दोनों को जैसे कल किया था, 2 × 2 मल्टीपल कर दीजिए और फिर 1 × 1, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 4 + 1। बाद में इनको ऐड करना है दोस्तों, एक बार मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दीजिए। जैसे हम क्वेश्चन सेकंड लेके चलते हैं, तो उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ऐसे मार्किंग किया, 1 2 3 4 5, जब तक मल्टीप्लाई करते रहें तब तक कि एक ना आ जाए। जैसे 5 × हाईएस्ट से हाईएस्ट, दोस्तों यहाँ से क्या करना है, ये वाला आप एरो बना दीजिए, इजीली समझ आ जाएगा। 5 × 3 4 × 2 3 × 1। अब 3 × 1 है तो 2 × 0 करने का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, जब 1 आ जाता है तो आपको स्टॉप कर देना है। तो दोस्तों ये था, 5 × 3 कितना हो गया, 15, 4 × 2 कितना हो गया, 8, और 3 × 1 3, और बाद में इनको ऐड कर देंगे तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए, 26 स्क्वायर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, जैसे ये अपना कॉलम में 5 थे, कॉलम में 5 थे और रो में 3 थे। अब कॉलम में क्या है, कम है और रो में ज्यादा है, कॉलम में 4 है और रो में 5 है, तब क्या करेंगे, तभी वही करेंगे जैसे अपना ये ट्रिक अपना लो, लास्ट से इसको मैच कर दो, 4 × 5, 3 × 4, 2 × 3, 1 × 2, और उसके बाद 1 × 1 हो गया, तो उसके बाद 0 से करने का कोई मीनिंग नहीं रहता दोस्तों। तो 5 × 4 कितना हो गया, 20, 3 × 4 12, और 2 × 3 6, और 1 × 2 = 2, और बाद में इसको ऐड किया तो कितना आ गया आंसर, 40 आ गया। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन 2 समझा देता हूँ। इसमें क्या, कॉलम में कितने हैं, देखिए 5 स्क्वायर है, 1 2 3 4 5। सबसे पहले हमें क्या करना, मार्किंग कर देना, जैसे ही आपको क्वेश्चन देखे सेम टाइम मार्किंग कर दीजिए, एक तरफ कॉलम में एक तरफ रो में। उसके बाद क्या करना, कॉलम के लास्ट डिजिट से रो के लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करो। जैसे कॉलम कॉलम के 5 और रो के 3, 4 का 2 3 का 1, उसके बाद 0 हो जाएगा तो कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आयत का काउंटिंग, आयत की काउंटिंग। आयत की काउंटिंग में ट्रिक थोड़ा अलग है। तो दोस्तों आयत की काउंटिंग में हम बात करेंगे, तो ये अपने जो क्वेश्चन है वो RAS, SI, NTPC, SSC, ग्रुप डी, बैंकिंग, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके। तो जैसे ही दोस्तों आपको ये फिगर दिखे, उसमें क्या करना है, सेम टाइम कॉलम में अपने ये मार्किंग कर दिया, 1 2 3 4 5, और उसके बाद क्या किया, रो में भी मार्किंग कर दिया, और इन दोनों को क्या करना, अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है। उसमें क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे स्क्वायर में, अभी क्या करना, आयत की काउंटिंग में आपको, आयत की काउंटिंग में इनको ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 हो जाता है, और इनको ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और जो इनका मल्टीपल आता है उनको, जो इनको ऐड करने पे आता है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इनको जोड़ा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनका जो ऐड करने पे जो आ रहा है 15, और इनको ऐड करने पे 6 आ रहा है, उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों एक बार फिर से समझिए, जैसे हमें फिगर दिखा उसमें हमने क्या किया, पहले कॉलम में मार्किंग कर दिया, फिर रो में मार्किंग कर दिया, और कॉलम वाले को ऐड कर दिया और रो वाले को अलग से ऐड कर दिया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉलम एंड रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम फिगर दोस्तों ये लेके चलेंगे अभी, नेक्स्ट वन ये छोटा फिगर है। तो इसमें क्या करना है, सेम मार्किंग किया पहले, उसके बाद क्या किया, पहले कॉलम में और उसके बाद रो में ऐड कर दो और उनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 कितना हो जाता, 9 हो जाता है। नेक्स्ट बड़ा फिगर लेके चलते हैं, तो ताकि समझ आ जाए। उसमें क्या है, कॉलम में, इसमें कॉलम में कम है और रो में ज्यादा है, तो क्या करना, हमें मार्किंग करना है। सबसे पहले हमने, जैसे ही आपको फिगर दिखे सेम टाइम मार्किंग कर दीजिए ऊपर का, कॉलम का और रो का। अब कॉलम को ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 = 10 होता है, और उसके बाद रो का, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15। अब 15 और
10 को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आंसर आ रहा है, 150 आंसर आ रहा है। तो दोस्तों आई थिंक समझ आ गया होगा, नहीं तो अपन पहले को वापिस समझा देते हैं। आयत की काउंटिंग में क्या करना है आपको दोस्तों, आयत की काउंटिंग जैसे दिखे सेम स्क्वायर की तरह, मार्किंग स्क्वायर की तरह ही होगा, पर इसमें क्या होगा, कॉलम को अलग से ऐड करना और स्क्वायर वाले को अलग से ऐड करना है, और उसके बाद इनको मल्टीपल करना है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15, 1 + 2 + 3 = 6, और 15 × 6 आपका 90 आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।